विभिन्न संगठन में सबसे खतरनाक है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो। इसमें 31 देश है। कितने देश है? एक कनाडा है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, स्पेन है, जर्मनी है, इटली है, पोलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, अभी फिनलैंड भी हो गया है, तुर्की है, ये सब देश को ना, इधर से जापान है, जापान को भी, जापान की तो सुरक्षा अमेरिका करता है, जापान के पास अपनी सेना नहीं है। जब परमाणु बम मारा था ना तो जापान ने सरेंडर कर दिया था, तो उसी ने समझौता कर लिया कि तुम लाइफ टाइम अपनी फौज नहीं रखोगे, लाइफ टाइम तुम्हारी सुरक्षा हम करेंगे, क्योंकि अमेरिका जब यहां रहेगा तो यहां से आराम से किसको टॉर्चर करते रहेगा, रूस को टॉर्चर करते रहेगा। नाटो देश जो है, इस सुरन सबका 50 को कहानी है, लेकिन मुख्य उद्देश्य यही है कि ये नाटो देश किसी को मारे, लेकिन अगर इनके 31 में से किसी एक पर हमला होगा तो ये 31 मिल के मारेंगे, 31 मिल के मारेगा सो नाटो। सद्दाम हुसैन को मारा था सो 31 मिल के, समझ आएगी नहीं क्या? अब ना यहीं पर रूस है, और ये नाटो को बनाया गया था बेसिकली रूस को काउंटर करने के लिए। अब ये यूक्रेन कह रहा था कि हम भी नाटो के सदस्य बनना चाहते हैं। अरे चोट्टा कहीं का, तुम पुतिन के सिधाने बैठ के नाटो का सदस्य बनना चाहता है? रूस ने मना किया, लेकिन ये कहा नहीं, हम स्वतंत्र देश हैं, बनेंगे। रूस हमला कर दिया, कहा कि तुम सदस्य बन जाएगा तो हमला कर नहीं पाएंगे, क्योंकि 3100 मिल के मारेगा सब। अब प्रथम विश्व युद्ध होना फिक्स है। अब रूस तृतीय तृतीय अब इधर कुछ दिया पुतिन इनको बढ़िया से, और इसी एकरा डेरा के फिनलैंड कर दिया हम भी नाटो के सदस्य, तो नाटो का नवीनतम सदस्य फिनलैंड, डेरा गया फिनलैंड, कहा कि बहुत मार मारा है सब, किसको? यूक्रेन को। फोन करके पूछा जेलेंस्की, तो बेचारा कहरते हुए जवाब दिए, तुरंत ज्वाइन कर लिया कौन? फिनलैंड। क्या ज्वाइन कर लिया? नाटो। अब यूक्रेन नाटो ज्वाइन कर लिया, ये रूस के लिए बहुत गलत बात है। उसके सिधाने पैताने चारों ओर कौन बैठ गया है? अमेरिका। 3100 देश, देखिए ये तुर्की भी नाटो का सदस्य है, यहाँ पे भी ये 3100 में सारी सेना आ सकती है, सारा सेना इसका यूज कर सकती है, मतलब 3100 देश, कोई किसी का टैंक यूज कर सकता है, सैन्य बेस यूज कर सकता है, रडार यूज कर सकता है, पनडुब्बी यूज कर सकता है। तो सोचिए, इधर से वो तुर्की से घिर चुका है, यहां से इधर में पोलैंड से घिर चुका है, ऊपर में खाली जगह था तो फिनलैंड से घिर चुका है, इधर साउथ कोरिया से, इधर जापान से, यहाँ डिगो गार्सिया में उसकी पहले से अमेरिका की नौसेना। अब बताइए, रूस को तो चारों ओर से घेर लिया, नहीं घेर लिया? इसके बाद भी लोग कहते हैं कि पुतिन क्यों मार रहा है यूक्रेन को? पुतिन इसलिए मार रहा है कि आज मारे तो तुम भी मरोगे, कल को तो पूरा तरह से घेर लोगे। और नाटो का जरूरत क्या है जी? नाटो का जरूरत क्या है आज के समय में? जब यूएनओ है, या तो यूएनओ को खत्म कर दो, या तो नाटो को खत्म कर दो। नौटंकी क्या करके रखे हैं लोग यहाँ पे? हम लोग ये खुल के नहीं बोल सकते हैं, नहीं तो अमरीका कल को चार को सुना देगा, कुछ नहीं करेगा, बम किसको दे देगा? पाकिस्तान को ले लो F-22, डॉलर बंद कर देगा। हम लोग कहां से जाएंगे कुछ सामान वामान खरीदने? गूगल बंद कर देगा हमारे यहाँ, तो हम लोग चुपचाप सहते हैं। आपके गांव में भी देखिएगा, कुछ कुछ होता है सब मन बढ़, केकरो मारपीट देगा, समझा? ज्यादा पावरफुल नहीं होता है, ज्यादा पावरफुल नहीं होता, लेकिन होता है क्या है? मन बढ़ होता है उसे, सब लोग जानते हुए भी, लेकिन कुछ नहीं बोलता है लोग उसका। वही हो गया कौन? अमेरिका। तो नाटो के कितने देश? हम लोग को नाटो ज्वाइन करना चाहिए? नहीं। रीजन समझिए, हम अगर नाटो ज्वाइन कर लेंगे तो ये है कि पाकिस्तान जब भी हमारे पे हमला करेगा तो 3100 हमारे लिए लड़ने आएंगे। आपको क्या लगता है, हम अकेले नहीं काफी हैं? पाकिस्तान के लिए तो हमारी बिहार पुलिस है। नहीं समझ में आया? अरे भाई, बिहार पुलिस गोली मारेगी थोड़ी ना, इंतजार करेगी, फोन आएगा, मिश्रा जी 2 दिन बाद गोली इन सौ का खत्म हो जाएगा। गोली खत्म हो जाएगा तब हमारी बिहार पुलिस पहुंचेगी। लेकिन यहाँ पे तो पाकिस्तान से लड़ने के लिए हम नाटो का सदस्य बने। रह गई चाइना, चाइना थोड़ा सा पावरफुल है। देखिए, चाइना की एक स्ट्रेटजी है, वो संख्या से डरा देता है, संख्या से डरा देता है। उसके पास हमसे 4 गुना हवाई जहाज है, लेकिन कोई हवाई जहाज आज तक किसी युद्ध में भाग नहीं लिया, और ज्यादातर जहाज चाइनीज है। अरे चाइनीज सामान का क्या भरोसा, समझ गया? एक आदमी चाइना में ब्याह करके आया था, अगले दिन उसकी पत्नी मर गई। तो लोग कहे कि रो कह रहा है भैया, चाइनीज है कितना चलेगा? समझ गया कि नहीं आया? चाइनीज सामान कितना दिन चलता है? और चाइना वाले सब एक ही जैसे दिखते हैं, सब पता नहीं चलता है किसका वाला कौन है। एक ही जैसा दिखता है सब चाइना वाला। आगे बढ़े, तो हमें
एक ही से मतलब नाटो अगर हम ज्वाइन करेंगे तो 31 का सपोर्ट मिल जाएगा हमको, बस एक जगह फायदा होगा चाइना के टाइम में, चाइना से हम लोग निपट लेंगे, लोग चाइना से ही ना निपटना है, चाइना युद्ध के समय में हिंद महासागर में घिर जाएंगे, समझ में आ गया क्या, हिंद महासागर में क्या हो जाएंगे, घिर जाएंगे, चाइना से युद्ध होगा तो ये युद्ध जीता नहीं जाएगा बल्कि ये युद्ध में ब्लैकमेलिंग होगी, ब्लैकमेल ये होगी कि हमारा तुम पीओके और सीओके छोड़ दो, हमारा ये छोड़ दो, हमारा ये क्या करो छोड़ दो, नहीं तो हिंद महासागर से एक को जहाज तुम्हारा जाने नहीं देंगे, चाइना की इकोनॉमी बंद हो जाएगी क्योंकि चाइना का सारा व्यापार अफ्रीकी देशों के साथ होता है, मिडिल ईस्ट के साथ होता है, यूरोप के साथ होता है, जाओगे किधर से, रास्ते बंद कर देंगे हिंद महासागर में, और कुछ थोड़ी करना है, दलाई लामा को राष्ट्रपति घोषित कर देना है तिब्बत का, हम लोग को पुराना तजुर्बा है कैसे हम लोग ने बांग्लादेश को अलग कराया था, करना कौन चाहिए, दलाई लामा राष्ट्रपति मान्यता दे देना, चीन के दूतावास के आगे वो नया दूतावास बना देना, चीनी दूतावास, तिब्बत का दूतावास हो गया यहाँ पे, और गणतंत्र दिवस के दिन ताइवान के राष्ट्रपति को बुला देना है, आइए बवाल खत्म हमारे यहाँ, किसी को उतना ही डराइए जितना कि उसके अंदर डर जिंदा रहे, डर खत्म हो जाएगा तो फिर आपसे नहीं डरेगा, समझ आ गया कि नहीं आ गया, भारत ये बात चाइना भी जानता है इसलिए भारत को ज्यादा पोक नहीं करता, अगर हम नाटो के सदस्य बन जाएंगे तो नो डाउट चाइना से लड़ाई होगी तो बाकी सब आ जाएंगे, लॉस समझिए क्या होगा, ये 3365 दिन कहीं ना कहीं मार करते रहता है, अगर हम नाटो के सदस्य बन जाएंगे तो यूक्रेन में हमको भी जाना पड़ेगा, मारो, अब पुतिन क्या कहेंगे, भूल गया 1971, समझा, तो हमको क्या जरूरत है दूसरे के चक्कर में, हमें मार करना नहीं, वसुधैव कुटुंबकम वाले देश है हम लोग, नहीं समझे, हम नाटो का सदस्य बनने जाए, हमें तुम बचाने आओगे कि नहीं आओगे, डेली तुम अझुराए रहोगे, कभी माली में घुस के मारेगा, कभी नाइजीरिया में मारेगा, कभी लीबिया में, कभी ईरान में, हमारा ईरान से अच्छा रिलेशन है, पेट्रोलियम वहां से मिल जाता है, इतना अच्छा बात है ईरान से कि पेट्रोलियम का पैसा वो रुपया में मांगता है, समझ आ गया कि नहीं आए, तो हम लोग उसको रुपया में देते थे पहले, बाद में हम लोग कहें आइए ना कलकत्ता देखिए यूनियन बैंक, आइए दिखाते हैं, घुमाने लाए लोग उसको, फिर कलकत्ता का बाजार घुमा दिए लोग, तो अब वो पेट्रोल देता है, कलकत्ता से सामान खरीद के लेके चल जाता है, झालमुड़ी मछली भात मिठाई उठाई, मैंने मिठाई उठाई नहीं ले जाता है, सामान खरीद ले जाता है, कोलकाता से हमारे यहाँ से सामान खरीद लेता है, तो कितना सही है, अब बताइए हमें क्या जाता है, आप दुनिया भर में जा, हमारे देश के लोगों को पेट्रोलियम चाहिए, जो दे दे वही अच्छा, जो सस्ता में दे दे वही अच्छा, अमेरिका जो है ना इशारा इशारा में कहता है भारत को नाटो का सदस्य हो जाना चाहिए, उसके पास हर योग्यता है, हर एक योग्यता है, हमारे पास 16 लाख की फौज रखे हैं, तुम्हारे नाटो की जरूरत नहीं है, और नाटो की फौज बहुत महंगी फौज है, पानी का जरूरत पड़ता है तो बिसलरी का पानी पीता है, हमारी सेना कहियों गढ़ा हो रहा है, नदी उदी कहियों मुंह लगाती है, जा हम लोग की सेना को नौटंकी नहीं है, अपने कहियों शेख साग के भूज भाज के कुछ खा लिया यहाँ पे, वो तो उनको चाहिए बर्गर, ओ माई गॉड, बर्गर खाएंगे हर 2 घंटा पे भूख लगेगा, गए तो थे वियतनाम में, मार के भगा दिया सब अमेरिका को वियतनाम से, मुंह लटका के चल आए कहां से, अफगानिस्तान से, आगे नहीं अफगानिस्तान से यहाँ पे, तो ये होते रहता है, हमें नाटो का सदस्य नहीं बनना, लेकिन अमेरिका से रिलेशन खराब नहीं करना।